दादू कहते हैं कि अगर मंशा सही हो तो अम्बे माँ जरूर साथ देती है। और देखिए आज अम्बे माँ ने कितना बड़ा चमत्कार किया कि दादी को यहाँ भेज दिया। अब आप देखना, आज तो आपको सिर्फ इस घर में जगह मिली है। सुहागन सीरियल के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई कैसे कैसे बार बार कोयल जो है हर एक कदम पर नई नई प्लानिंग करती है और किसी ना किसी को मारने की कोशिश करती ही रहती है। और इसी के साथ यहाँ पर हम देख ही रहते हैं कि किस तरह से पहले वो स्वरा को मारने की कोशिश करती है लेकिन उसमें वो नाकामयाब होती है, फिर प्रभा को मारने की कोशिश करती है उसमें भी नाकामयाब होती है, और इस बार दोबारा से उसने प्लानिंग कर ली है कि वो स्वरा को मारेगी क्योंकि स्वरा ही सभी मुसीबत का जड़ है। इस वजह से वो मुसीबत की जड़ को निकाल कर फेंक देना चाहती है। तो इसी के आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई इस बार कोयल जो है एक बड़ी प्लानिंग करती है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो नाग लेकर आती है और वो नाग इतना जहरीला होता है कि जिसको भी वो डस लेगा तो वो ऑन स्पॉट मर जाएगा। इस वजह से यहाँ पर कोयल जो है पर बहुत जल्द आपको आपका पूरा हक मिलेगा, पापा जी की पत्नी होने का, पिता जी की माँ का, मुझे इस घर की मालकिन का। कल नागपंचमी के दिन ये नाग बनेगा हमारा हथियार। उस नाग को लेकर आई है स्वरा की कहानी को खत्म करने के लिए। जी हाँ, हम देखेंगे कि भाई कोयल जो है इस बार उस नाग से स्वरा को डसवाएगी और बहुत जल्द यहाँ पर हमारी स्वरा जो है इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। तो वही हम प्रोमो में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कोयल जो है वो नाग को लेकर घूम रही है इधर उधर घर में, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई किस तरह से कोयल जो है किचन में सांप लेकर खड़ी है और इसी बीच वो जानबूझकर उस सांप को उस किचन में छोड़ देती है जहाँ पर स्वरा काम कर रही है। और अब ये देखने में काफी मजा आने वाला है कि क्या इस बार हमारी स्वरा बच पाएगी या नहीं। जी हाँ, ऐसे यहाँ पर लग रहा है कि हमारी स्वरा जो है दोबारा से बच जाएगी क्योंकि हम प्रोमो में देख सकते हैं कि स्वरा हो जाओ तैयार हमारी जहरीले वार के लिए, क्योंकि तुम बहुत जल्द अपनी आखिरी और गहरी नींद में सोने वाली हो। काफी गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो सांप दोबारा से नहीं काट पाता हमारी स्वरा को और दोबारा से यहाँ पर स्वरा की जान बच जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोयल प्रोमो में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रही है। और इसी के साथ यहाँ पर काफी फनी मोमेंट भी देखने को मिल रहा है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो नाग गुम हो जाता है घर में और यहाँ पर कोयल की हालत खराब है, उसे ऐसा लग रहा है कि कहीं घूम फिर कर वो सांप उसे ही ना काट ले। इस वजह से वो सांप को ढूंढने की कोशिश कर रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं ऐसा ना हो जो हमारी कोयल को लग रहा है वो सच हो जाए और वो सांप घूम फिर कर कहीं ना कहीं कोयल को ही काट लेगा। तो फिलहाल आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखने वाले हैं कि भाई इस बार घर में प्रभा की एंट्री हो गई है। जी हाँ, जैसा कि स्वरा ने वादा किया था कि वो प्रभा को इस घर में हमेशा हमेशा के लिए ले आएगी और यहाँ पर ठीक वैसा ही होते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर दादी जी ने इस बार रोक लिया है प्रभा को। यहाँ पर हम देख ही रहते कि किस तरह से चमत्कार होता है, दादी जी अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और इस चमत्कार की वजह से यहाँ पर प्रभा को दोबारा से इस घर में एंट्री मिल जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि प्रभा की वजह से ये इम्प्रूवमेंट आई है और हो सकता है कि अगर प्रभा इनके साथ रहे तो दादी जी पूरी तरीके से ठीक हो जाए। इस वजह से दादी जी के लिए फिलहाल वेदांत और रुद्र जो है प्रभा को इस घर में एंट्री दे देते हैं। तो वहीं आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले कि भाई यहाँ पर बहुत जल्द स्वरा और प्रभा मिलकर कोयल की सच्चाई सभी घर वालों के सामने ले आएंगी।